सरकार के साथ में, स्वास्थ्य मंत्री के साथ में क्या हुआ है, आइए हम जानकारी लेते हैं कि हमारे बीच में एक महिला और हैं जो आशा वर्कर हैं, कि इनकी जो परेशानी, इनकी मांगें क्या है। मैडम आपका नाम? शबरुनिशा। मैं ख्याला डिस्पेंसरी से DGD ख्याल से हूँ। मैडम आज आपको यहाँ 28 अगस्त से लगातार यहाँ आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं? प्रदर्शन तो हमने सिर्फ दो मांगों के लिए मोस्टली की थी, एक हमें सरकारी घोषित करे, दूसरी हमारी न्यूनतम वेतन बनाए, इसी वजह से हम बैठे हुए थे। आपको आप ऐसा क्या काम करती हैं कि आपको एक राज्य सरकार में आपको एक परमानेंट किया जाए, कोई किस तरीके का आपको पक्का किया जाए? दिल्ली सरकार में हमने 24 घंटे, पहली बात तो हम लोग 24 घंटे की जॉब करते हैं, सबको 8 घंटे जॉब करते हैं, हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ जो है कि जितनी मृत्यु होती थी माँ की, बच्चों की, वो कम हो गई है, और पोलियो मुक्त हुआ है, और जो है कि गवर्नमेंट ने जितनी भी स्वच्छता अभियान चलाया तो उनमें हमारा सपोर्ट लिया। दूसरी बात, जनसंख्या को लेकर के जो बातें चल रही थी, जनसंख्या कम होनी चाहिए, उसे हमारी वजह से हुआ, वो कंट्रोल हमारी वजह से हुआ है। एक लेडीज जो जेंट्स को पॉपुलेशन के बारे में समझा सकती है, फैमिली प्लानिंग के लिए, एक हस्बैंड जो होता है उसको समझाने में भी एक वाइफ को हिचकिचाहट होती है, मगर एक आम पब्लिक को हम लोगों ने जाके मोटिवेट किया, कॉन्डम के लिए किया, बीवियों के लिए बोला कि कॉपर्टी लगवाई जाए, PPICD लगवाई जाए, उनको जेंट्स को कॉन्डम यूज़ करने का तरीका तक हम लोगों ने बताया गया है।